इसी के साथ समय हो गया है उत्तर प्रदेश की खास और बड़ी खबर का। चलिए डालते हैं योगी राज पर नजर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस खास अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण को मनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वयं विकास खंड बुलंदशहर के गांव नेथला हसनपुर में पौधारोपण किया और लोगों से अपील की कि शुद्ध हवा के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी ग्रामीणों ने भी पौधारोपण किया। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर गांव में वर्षा के पानी को एकत्रित करने एवं गांव में लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा योजना के नए तालाब की खुदाई के कार्य का शुभारंभ भी किया गया। पूजा अर्चना की गई। इस खास अवसर पर PDDRDA सर्वेश चंद्र, तहसीलदार मक्खन सिंह, BDO, ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि इस दिवस पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पृथ्वी को हरा भरा करें। जिला प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मैं आज गया था, नेता हसनपुर गांव है, वहां पे तालाब की खुदाई का भी कार्यक्रम शुरू किया गया और वृक्षारोपण भी किया गया। और अब हम बड़े पैमाने पे, हमारी प्लानिंग है कि तालाब की खुदाई करके जल संरक्षण भी करेंगे और इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।